नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। टीकमगढ़, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन हुआ। आयोजन जिसमें पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, एडिशनल SP मुन्ना चौरसिया, SDM सौरभ मिश्रा, SDOP कृष्णपाल सिंह, कोतवाली TI सुनील शर्मा सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। जिला एवं पुलिस प्रशासन ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के पुलिस बल ने कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देते हुए प्राणों की आहुति दी है। इन शहीदों की याद में आज 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाना है, जिन्हें टीकमगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह दिवस हर साल मनाया जाता है, जिसमें शहीदों को याद किया जाता है। इसी दौरान धूप सहन ना कर पाने की वजह से एक पुलिस आरक्षक को चक्कर आ गए, जो गिरते गिरते बचा। आरक्षक को एक पुलिस आरक्षक और पत्रकार रामेश्वर रजक ने संभालते हुए गिरने से बचाया। दिवस परेड का आयोजन पुलिस के उन बहादुर साथियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है, जिन्होंने कर्तव्य परायण अपने प्राणों की आहुति दी है। सन 1959 में आज ही के दिन भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की एक टुकड़ी, जिसमें 10 पुलिस अधिकारी शामिल थे, भारतीय उत्तरी सीमा हॉट स्प्रिंग लद्दाख क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे थे, जो चीनी सेना द्वारा किए गए क्रूर व घातक आक्रमण के दौरान शहीद हो गए थे। तभी से प्रतिवर्ष शहीद होने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष देश के कुल 264 पुलिस अधिकारी कर्मचारी शहीद हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश पुलिस के 7 अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं। हम सभी उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके बलिदान को सादर नमन करते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। दिनांक 21 अक्टूबर को आज पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन यहाँ पुलिस लाइन में ग्राउंड में किया गया है। प्रतिवर्ष जो हमारे केंद्र सरकार के जो पुलिस संगठन है और राज्य सरकारों की जो पुलिस है, इनके जो जवान अपनी कर्तव्य वेदी पे जो शहीद होते हैं, देश में आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कार्य करते हुए, चाहे नक्सलाइट हों, चाहे आतंकवादी हों, चाहे उग्रवादी हों, और देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनसे जूझते हुए वो अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं, तो उनकी स्मृति में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस परेड का आयोजन किया जाता है। और इस अवसर पर अभी जिला पुलिस टीकमगढ़ की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से यहाँ ये परेड का आयोजन करके उनको विनम्र श्रद्धांजलि हम लोगों ने दी है। खबर समय जगत के लिए टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।